और जायका भी बड़ा अच्छा आता है, क्योंकि अंडा जब गाजर के हलवे में मिक्स हो जाएगा ना जी जी, तो उसका अपना जायका होगा, ना कि बॉयल अंडा हम लोग डालेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, खुशबू तो यहाँ तक आ रही है। माओ को टेस्ट करवाएंगे, चेक करेंगे उनको कैसा लगा फजाना माँ के हाथ का जो है गाजर का हलवा। बिल्कुल सही कह रही थी मजाना माँ, जो है वो खोया बिल्कुल ऊपर आ गया इसमें। यहाँ पे बड़े लवाजमात रखे हुए हैं, क्या बात है जी, जबरदस्त जी। तो पूरा सर्दियों का ये ना जी खुद तैयार किए हैं चिकन सैंडविच ना। चला जी, इनकी ट्रे रेडी हो गई है, मैं इसमें आपसे शेयर भी करूंगा क्या क्या चीज़ें हैं। और फरजाना वहाँ भी जो है इसको कंप्लीट कर रही हैं माशाल्लाह, और इतने खूबसूरत जो है माशाल्लाह यहाँ कप रखे हुए हैं इन माओं के लिए जी। अम्मी जी ने बनाया है, आपने सही पहचाना आपने सही पहचाना है। अच्छा ओहो, सभी से लेकिन मुँह से पहले हलवा निकला। अल्लाह और अल्लाह के नबी के घर जाना, सोने नबी के घर जाना कोई आसान बात नहीं है। ये सिर्फ अल्लाह ही है जो ये सारे सिलसिले सारा दारोमदार चला रहा है। ये लोग भी आपके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं करते हैं, क्योंकि इनको तो पता ही कुछ नहीं, इनको बस ये पता है कि इनके घर वालों ने इनको ना यहाँ छोड़ दिया हुआ। टोटल 12 ज़ैक माएँ जो हैं वो इंशाल्लाह जनवरी 2023 के गालिबन जनवरी के शुरू में ही जो है उम्रे की साख हासिल करेंगी। आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए और बिनते फातिमा ओल्ड होम की माओ के काफिले को किसी तरह से भी उनके खाने पीने की मद में, उनके टिकट, उनके रिहाइश के मद में जो है वो आप मदद कर सकते। जी अस्सलामुअलैकुम असद, मैं इस वक्त बिनते फातिमा ओल्ड होम इस्लामाबाद में मौजूद हूँ, और उम्रा माएँ इस्लामाबाद से 2023 जनवरी में जा रही हैं उनके लिए, बल्कि सब के लिए फरजाना माँ जो है अस्सलामुअलैकुम, और इस वक्त जो है वो इस्लामाबाद में हो, और उन माओ के लिए कोई खातर तवाज़ो ना हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। सब लोग देख रहे होते हैं, मुझे बताइएगा क्या बन रहा है स्पेशल माओ के लिए मुझे सर्दियों की। सीज़न है और सर्दियाँ भी है जी, तो इसलिए मेरा दिल चाह रहा था कि नहीं गाजर आई है, और मौसम भी इस्लामाबाद का तो बहुत ठंडा है माशाल्लाह जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बस ये बाकी चीज़ों के अलावा वही मैं आपको बताऊँगी क्या क्या बनाया इनके लिए स्पेशल गाजर का हलवा। क्या बात है, जबरदस्त। तो ये यकीन जानी जब आती है तो सब लोग को इंतजार होता है, कोई कह रहा था कि पराठे खाएंगे फरजाना के हाथ से, और कोई कुछ। वो कल कह रही थी कि जी आप, मैं कराची आऊंगी ना उमरा जाने के लिए, तो आपके हाथ के आलू वाले पराठे मैं जरूर खाने वाली हूं इंशाल्लाह। तो ये जी ये मेन किचन नहीं है इस्लामाबाद का, ये बैक किचन है। आप देखें कि इसमें जो है वो चूल्हा भी सिलेंडर वाला चल रहा है चूंकि, और बड़े अच्छा मुझे लगा है जी जी की इन्होंने सिलेंडर जो है वो बाहर रखा हुआ है, और ये एक किचन के बैक साइड पे एमरजेंसी अगर गैस ना आए। ये देखे माशाल्लाह गर्म गर्म जो है वो चाय भी साथ साथ भर रही है, क्या बात है, माशाल्लाह गर्मा गर्म चाय भी बन रही है, ताकि अगर गैस ना आए तो कम से कम उसको मैनेज तो कर सके फौरी अर्जेंट। तो ये अच्छी चीज़ है, बैकअप होना चाहिए। अच्छा इसमें क्या क्या लवाजमा डाले हुए आपने माशाल्लाह? पहले देसी घी डाल के तो गाजर की भुनाई की अच्छी अच्छा, तरह अच्छा, और उसी वो गाजर ने पानी छोड़ा उसमें, फिर उसके बाद मैंने चीनी डाली, चीनी ने पानी छोड़ा तो छोड़ा उसकी पानी की उससे ना गाजर गल गई अच्छे से। अच्छा, और फिर उसके बाद फौरन इसमें खोया डाल दिया, जब पानी खुश हुआ ना उन चीजों का तो खोया डाल दिया। अब खोए के बाद मैं ना अंडे डालूंगी, अंडे इसलिए मैं डालूंगी कि जितना इसमें देसी घी है ना वो अंडा जज़ब कर लेगा, और ज्यादा घी भी नहीं इनको जाएगा ना। अच्छा, तो ये आप इसमें अंडे डाल दूंगी ताकि ये खुशक हो जाए ना। बॉइल अंडे तो डालते ही डालते, लेकिन मैं ज्यादातर ना मैं ये वाले कच्चा अंडा डालती इसके अंदर, ताकि वो ना वो इसका जितना घी है ना वो खुशक हो जाए। अच्छा, वो अंडा जो है वो जज़ब कर देगा घी सारा। अच्छा, और जायका भी बड़ा अच्छा आता है, क्योंकि अंडा जब गाजर के हलवे में मिक्स हो जाएगा ना जी जी, तो उसका अपना जायका होगा, ना कि बॉयल अंडा हम लोग डालेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, खुशबू तो यहाँ तक आ रही है। और इसमें चम्मच जो है ना वो हर वक्त इसमें चलता रहना चाहिए। अच्छा, ताकि गाजर नीचे ना लगे, क्योंकि इसमें चीनी भी होती है, खोया भी होता है, और आप अंडा भी डाल दिया, जो ही आप चम्मच छोड़ेंगे ना कोई और काम के लिए खान जाएगा तो ये अच्छा। नीचे से लग जाएगा और काला भी हो जाएगा और स्मेल भी आनी शुरू हो जाएगी, खाने का मजा भी नहीं आएगा। क्योंकि अब चूंकि ना घी कम हो गया तो इसलिए वो नीचे से लगने का खतरा होता है। खूबसूरत शक्ल बनती जा रही है। जी ये माशाल्लाह खूबसूरत इसकी जो है वो शक्ल निकल आई है, जैसे फरजाना माँ कह रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी ये भी माओ को टेस्ट करवाएंगे, चेक करेंगे उनको कैसा लगा फरजाना माँ के हाथ का जो है गाजर का हलवा। बिल्कुल सही कह रही थी मजाना माँ, जो है वो खोया बिल्कुल ऊपर आ गया इसमें माशाल्लाह माशाल्लाह।
बस ये अल्लाह ताला बेपनाह बरकत दे, अल्लाह ताला उनके लोगों के रिज़्क में इजाफा दे जो इन माओं की मदद यहाँ तक पहुँचाते हैं। हाँ वो इस्लामाबाद के माएँ बेटे हैं बहनें हैं इन माओं का सोचते हैं, हाँ वो पाकिस्तान के पूरी माएँ तो सबकी सांझी होती हैं, हाँ वो लाहौर के हैं कराची के हैं, अल्लाह ताला उनके बेपनाह रिज़्क में इजाफा दे। तो बस ये जब माएँ खाएंगी तो सोचें उनके दिल से क्या दुआ निकलेगी। तो आए बाकी भी चीज़ें जाके देखते हैं, ये गालबन रेडी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, तो आए बाकी भी जाके देखते हैं। जो है माशाल्लाह जी यहाँ तो बड़े लवाजमात रखे हुए हैं, क्या बात है जी ज़बरदस्त जी। तो पूरा सर्दियों का ये ना जी खुद तैयार किए हैं चिकन सैंडविच ना। अच्छा माशाल्लाह, कोई प्याज नहीं है, कोई टमाटर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, क्यों खा नहीं सकते ना। जी जी सही बात है। और इसके साथ साथ जो है माशाल्लाह समोसे, क्या बात है, स्टिक्स है जी। ओहो ये अच्छा, तो ये जो है चिकन की माशाल्लाह इसके अंदर जो है, स्टिक्स है ये। क्या बात है, फुल जो है वो सर्दियों का सीन जो है वो चल रहा है माशाल्लाह, के लिए तैयार की है। अच्छा माशाल्लाह, ये जी चिकन और ओहो क्या बात है जी, फुल सर्दियों का जो निज़ाम है। अच्छा साथ में जो है अजवा खजूर है। अच्छा माशाल्लाह, और जो है वो बुशरा बहन माशाल्लाह सर्व भी करना शुरू हो गई है, गाजर का हलवा। ओहो बड़ा खूबसूरत शक्ल इसकी तैयार हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस ये साथ साथ प्लेट बनना भी शुरू हो गई है इनकी, अल्लाह जिनकी ट्रे रेडी हो गई है, मैं इसमें आपसे शेयर भी करूँगा क्या क्या चीज़ें हैं। और फरजाना वहाँ भी जो है इसको कंप्लीट कर रही हैं माशाल्लाह, और इतने खूबसूरत जो है माशाल्लाह यहाँ कप रखे हुए हैं इन माओ के लिए, और इसके साथ साथ जो है स्टिक है और हलवा है माशाल्लाह, गर्म गर्म चाय है, क्या बात है, क्लब सैंडविच है, चिकन स्प्रेड वाला समोसा है। तो एक बड़ा ज़बरदस्ती जो है हाई टी माशाल्लाह फरजाना माँ की तरफ जो है वो तैयार हो गई है। तो मुझे बताइएगा के देखें जो लोग जिस तरह इन माओं के लिए कर रहे होते हैं और जिस तरीके के साथ माशाल्लाह उनको जो है वो सर्व करना, तो किस तरह अल्लाह ताला जो है जो लोग कर रहे हैं कितना अल्लाह उनको इसका अजर देगा। छुप के नेकी करो जी, एक कतरा भी आप दो तो आपको आगे और यहाँ दुनिया में समंदर के हिसाब से मिलेगा, लेकिन हमें समझ नहीं आती। बेशक यहाँ जो जो भी इन माओ की खिदमत कर रहे हैं या इनके लिए दुआ कर रहे हैं, खाली पैसों की बात नहीं होती, बात दुआओं की भी होती है, प्यार मोहब्बत हमदर्दी की भी होती है, क्योंकि ये लोग देखने नहीं आते ना, हम देखते हैं अल्लाह तो देखता है ना कि आप इनको देख के किस तरह दुखी होते हो। तो बस वो भी अल्लाह को बहुत पसंद है, बेशक इंसानियत के लिए सोचना और जिस तरह वो करते हैं जिस तरह छुप के मदद कर रहे हैं, और फिर जब वो देखते हैं सिलसिला जो आप जी देखते हो ना, ये आपकी वजह से, बेशक ये आपकी वजह से है। बेशक तो बस अल्लाह पाक आपको ढेरों अजर दे, आमीन, अल्लाह पाक इनकी भी आसानियां करे, आमीन, और इनको जो खुशियां आप लोग देखते हैं पानी से लेके खाने पीने रिहाइश साथ छत इन, और अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर उमरा की है, बस मेरी तो आपके लिए और इन लोगों की भी दुआएं आपके साथ, ये लोग भी आपके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं करते हैं, क्योंकि इनको तो पता ही कुछ नहीं, इनको बस ये पता है कि इनके घर वालों ने इनको ना यहाँ छोड़ दिया हुआ है, तो इनको बस यही पता है और बाकी चीज़ों का इतना नहीं पता। उनको आप लोगों की वजह से अल्लाह इतना प्रोटोकॉल देता है, इतनी इज्जत देता है, तो आज कल अल्लाह और अल्लाह के नबी के घर जाना, सोने नबी के घर जाना कोई आसान बात नहीं है, ये सिर्फ अल्लाह ही है जो ये सारे सिलसिले सारा दारोमदार चला रहा है, ये अल्लाह ही है। बेशक बेशक, और हमें अल्लाह पाक तौफीक दे कि हम अल्लाह को अपने प्यारे नबी को राजी कर सके, आमीन, बस यही कोशिश है। ऐसा जो है इनके ट्रे भी सर्व होना शुरू हो गया है, और जो है बाकी इंशाल्लाह माओं से भी बात करेंगे, ठीक है, कोई कमी पेशी तो नहीं। हलवा कैसा लगा आपको, खाया नहीं, खा के देखें ना आप फिर मुझे बताएं, हमेशा अच्छा होता है। ये बताइए कैसा है, बहुत अच्छा है, चलें अल्हम्दुलिल्लाह। आप नहीं खा रहे, अच्छा चलें ले ना, मुझे बताएं कैसा लगा, मज़े का, क्या चीज़ सबसे मज़े की है, अभी सारी नहीं चखी, ज़्यादा ज़्यादा लवाजमात है कि आपको क्या मज़े का लगा, हलवा, अच्छा अच्छा वही खा रही तो बस ये कैसा है, बहुत मज़े का, तो सबसे मज़ेदार क्या चीज़ है इसमें से, क्या, अच्छा तिक्के मज़ेदार है स्टिक, क्या बात है, मज़े का, चलें अल्हम्दुलिल्लाह, खाएं खाएं बिस्मिल्लाह करें आप, तो ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा जी, अम्मी जी ने बनाया है, आपने सही पहचाना आपने सही पहचाना है, खाएं खाएं आप बिस्मिल्लाह करें, माशाल्लाह बाकी लोग भी जो है उनको खा रहे हैं, कुछ लोग जो है उसको, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप, ठीक हैं,
शुक्र अल्लाह, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, आप तो 2022 में उम्रा पे गए थे ना जी? आप बहुत खुशकिस्मत हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताएं आज के खाने में आपको क्या चीज़ अच्छी लगी है? हलवा अच्छा लगा। ओहो, सभी अच्छे हैं लेकिन मुँह से पहले हलवा निकला। फरदान वहाँ के जो हाथों का है तो वो माशाल्लाह बरकत ही ऐसी है कि जो है फरदाना माँ की जो है वो तारीफ से रहा नहीं जा रहा कि हलवा सब लोग मोस्टली सब लोग जो कह रहे हैं वो हलवा ही सब कह रहे हैं। माशाल्लाह पीछे भी सब लोग जो है वो खा रहे हैं। तो बस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बिनते फातिमा और लोग कराची लाहौर इस्लामाबाद जो अपनी मदद का हाथ है उसको बढ़ा के रखिए। अस्सलाम वालेकुम। क्या क्या मज़े का इसमें? सब कुछ मज़े का है। अरे अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा सब मज़े का। चले अल्हम्दुलिल्लाह, प्लीज़ आप खाएं, प्लीज़ आप खाएं। और इसके साथ साथ जो है हाइटी का बंदोबस्त किया गया बिनते फातिमा ओल्ड होम इस्लामाबाद की माँ के लिए। फरजाना माँ ने अपने हाथों से गाजर का हलवा बनाया जो कि मेरे खुद अपने मुँह में पानी आ गया। और यकीन जानिए तमाम खुशियाँ जो है ये आप लोगों की तरफ से हैं जो कि इन माओं तक फॉरवर्ड की गई हैं। मैं आप तमाम लोगों से कहूँगा कि जो खुशियाँ, जो एक ऐसी खुशी जो कि ज़िंदगी में एक ख्वाहिश होती है कि काश हम भी अल्लाह का घर रोज़ा रसूल का दीदार करें। बिनते फातिमा ओल्ड होम इस्लामाबाद से 3 ज़ईफ़ माएँ और टोटल 12 ज़ईफ़ माएँ जो हैं कराची से और लाहौर से, टोटल 12 ज़ईफ़ माएँ जो हैं वो इंशाल्लाह जनवरी 2023 के गालिबन जनवरी के शुरू में ही जो है उम्रे की सादत हासिल करेंगी। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बिनते फातिमा ओल्ड होम की माओ के काफ़िले को किसी तरह से भी उनके खाने पीने की मद में, उनके टिकट, उनके रिहाइश के मद में जो है वो आप मदद कर सकते हैं और इस दुआओं के काफ़िले में शामिल हो सकते हैं। आप नंबर भी नोट कर सकते हैं 03212070463। जज़ाकअल्लाह, जज़ाकअल्लाह खैर।